जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, दिस इज जयंत सिंह, फैकल्टी ऑफ जीएस मेजर कलसी क्लासेस। बेटा आप सभी लोगों का मेजर कलसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नेवी ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम आपके सिर पर आ चुका है, जो कि 3 फरवरी को है। तो आप सारे लोग मेरे प्रिय छात्रों, बिल्कुल विलम्ब न करें, बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आए हैं। आप सारे लोग एग्ज़ाम में जाने से पूर्व इसे मेनी टाइम्स अवश्य पढ़िएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गौर से पढ़िए, क्या लिखा गया, कौन सा ग्रह पानी में डालने पर तैरेगा? Which planet will float when put in water? Mars अर्थात मंगल, Venus means शुक्र, Saturn means शनि, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट जवाब मेरे भैया क्या होगा, Saturn अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अगला गौर से पढ़ें, डीमोस किसका उपग्रह है? Whose सेटेलाइट इज डीमोस? शुक्र, वीनस, नेपच्यून, नेपच्यून मीन्स वरुण, यूरेनस और मार्स। तो मार्स के पास एक फोबोस है और एक डीमोस है। तो अब यहाँ पर प्रश्न क्या बता रहा कि ये ऑप्शन डी का उपग्रह है, मंगल का उपग्रह है। वर्तमान में विधान परिषद कितने राज्यों में है? कितने राज्यों में प्रेजेंटली? हाउ मेनी स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल? 12, 9, 8, 9, 3, 9। कितने राज्यों भैया? 6 स्टेट में। इन हाउ मेनी स्टेट्स? इन 6 स्टेट। आए, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? वेयर इज पारादीप लोकेटेड? कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में। पहला ही करेक्ट जवाब ओडिशा, इसको याद किए रहिए। आपके एग्जाम में वैसे भी पूछा जाता, पुरी, कोणार्क और गोपालापुर, पारादीप किन राज्यों में है? टोटल ओडिशा में है। नेक्स्ट, हैदराबाद किस नदी के किनारे है? हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तापी नो, नर्मदा नो, मूसी। किस रिवर किनारे मेरे शेर? मूसी रिवर। याद की रही, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? घूमर डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? राजस्थान। इसका भी पहला जवाब हम लोग पा चुके हैं, कौन? राजस्थान। तो राजस्थान का घूमर नृत्य बहुत ही मशहूर है, इसे याद करिएगा, आपके एग्जाम में बहुत पूछा है, फिर आएगा। नेक्स्ट, ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं? व्हाट आर द ब्लू माउंटेन्स कॉल्ड? नीलगिरी, अरावली, विंध्यन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर एकदम कान खोल सुन लें, आप नीलगिरी को ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं, इसे आप नीलगिरी को नीलगिरी गांठ भी कहते हैं, कभी पूछा जाएगा तो आपका अवश्य सही होगा। नेक्स्ट, सिमगो महोत्सव किस राज्य में प्रसिद्ध है? सिग्मो फेस्टिवल कौन सा? सिग्मो इज फेमस इन विच स्टेट? तो गोवा। इसका भी पहला ही करेक्ट जवाब है, कौन सा? गोवा शेर। तो आप डांस से रिलेटेड, महोत्सव से रिलेटेड पढ़े रहिएगा, बहुत पूछता है। किसको अरब सागर की रानी कहते हैं? विच इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ अरेबियन सी? क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की रानी, कोच्ची। किसे कहते हैं? कोच्ची या कोचीन को कहते हैं। किसे कहते हैं? कोच्ची या कोचीन को भैया। नेक्स्ट, पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? वेयर वॉज द फर्स्ट एटॉमिक बम वॉज ड्रॉप्ड? नागासाकी, हिरोशिमा, न्यूयॉर्क, ओसाका। कहाँ पर? हिरोशिमा पर। कब? 6 अगस्त 1945। इसके बाद कहाँ गिराया गया? यहाँ पर 9 अगस्त। इसको इस ढंग से भी पढ़े रहिएगा, ठीक, ये दोनों प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। अगला,
यहाँ पर पाकिस्तान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ पाकिस्तान? सलीमुल्ला, आगा खां, रहमत अली, मोहम्मद अली। तो अगर आप देखें तो इसका करेक्ट जवाब मोहम्मद अली जिन्ना है। अगर कह देता पाकिस्तान शब्द किसने दिया तो रहमत अली हो जाता। तो इज फादर ऑफ पाकिस्तान, आप कहेंगे मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी? वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द दांडी मार्च? साबरमती आश्रम। देख रहे हैं पाले ही आंसर से हम लोगों को काम चल जा रहा। साबरमती आश्रम से कहाँ तक गए? दांडी तक। अगर यही कह दिया जाए कहाँ समाप्त हुआ तो दांडी में, लेकिन प्रश्न के अनुसार करेक्ट जवाब क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वाज द ज्ञानपीठ अवार्ड स्टार्टेड? इसका भी करेक्ट जवाब 1965 है। क्या है? 1965। आइए हम लोग और आगे बढ़ें। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है? इन हाउ मेनी लैंग्वेज इज द साहित्य अकादमी अवार्ड गिवन? कितने में? 24 भाषाओं में। कितने मेरे शेर? 24। अगला, हर्षचरित किसकी रचना है? कई बार पूछा हुज कंपोजिशन इज हर्षचरिता, तो यहाँ पर किसकी है? हर्षवर्धन नो, बाण भट्ट की है, कादंबरी और हर्षचरित। इसने और कौन से लिखा है? कादंबरी। ठीक भैया, कादंबरी। तो दोनों आप याद किए रहिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट। अगला, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया? बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली वाज डिजाइनेटेड एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी? 61 नो, ऑप्शन बी 69th। कौन सा भैया? 69th। नेक्स्ट, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड? 26 जनवरी नो, 26 मार्च नो, 26 नवंबर को। किस रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस। इसे लॉ डे भी या विधि दिवस भी कहते हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? फ्रॉम वेयर फंडामेंटल राइट टेकन? फ्रांस नो, यूएसए से लिया गया। कौन से मेरे भैया? यूएसए से। ठीक, अगर ऑप्शन ऊपर मिल जाता है तो नीचे प्रश्न को पढ़ने की जरूरत नहीं। एटलस पर्वत कहाँ स्थित? वेयर इज द एटलस माउंटेन्स? एशिया, अफ्रीका, यूरोप? तो इसका करेक्ट जवाब अफ्रीका। ठीक भैया, अफ्रीका। नेक्स्ट, जिब्राल्टर जलसंधि किसको जोड़ती है? व्हाट डज द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट? रेड सी, लाल सागर, मेडिटेरियन सी नो, अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी? मीन्स ऑप्शन बी। ये कौन जोड़ता है? इसको आप कहेंगे स्वेज कैनाल। ठीक भैया, आए तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नॉर्डिक देश में कौन से देश आते हैं? विच कंट्रीज कम्स इन द नॉर्डिक कंट्रीज? फिनलैंड बिल्कुल आता है, नॉर्वे आता है, डेनमार्क आता है। तो ऑल ऑफ दीज, इसमें एक देश और जोड़ दें, ये चार देश आते हैं, आइसलैंड। ठीक सर, तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहते हैं? विच वाटरफॉल इज कॉल्ड नियाग्रा ऑफ इंडिया? चित्रकूट, चित्रकूट। पहला ही जवाब एकदम सही है। दूध नो, ह्यूरन नो, नो। तो किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन ए। अगला, भंडारी समिति किससे संबंधित? बहुत इंपॉर्टेंट, भंडारी कमेटी इज रिलेटेड टू विच?
रीजनल रूलर बैंक, एजुकेशन, हेल्थ, इससे तो आप क्या कहेंगे? पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से। अगला पॉइंट, लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर लिखा गया है। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर रोट ए रॉय अरविंद अडिगर नो कौन रस्किन बॉन्ड से, इनके द्वारा लिखा गया। ठीक भैया, नेक्स्ट, चंद्रयान थ्री को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? चंद्रयान थर्ड लॉन्च बाई विच रॉकेट, पी एस एल बी नो, जी एस एल बी नो, ए एस एल बी नो, एल बी एम थ्री। ये रहे हमारे शानदार 25 प्रश्न, इन्हें आप मेनी मेनी टाइम्स पढ़ें, नियर डियर में शेयर करें, जम पढ़ें, आप सब पास होंगे। 3 फरवरी से एग्जाम आपका प्रारंभ हो रहा है। एक बार हमारी तरफ से, हमारे एम के सी परिवार की तरफ से दिल से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर विशाल और मैं अपने नेवी ट्रेड्समैन के दोस्तों के लिए, जिनका कमिंग एग्ज़ाम 3 फेब को है, उनके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आया हूं। इस मॉडल पेपर को आप बहुत तल्लीनता से देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, मतलब पढ़ के जाएंगे, क्योंकि आपको हूबहू क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस बाई 20% एज अ रिजल्ट कस्टमर कैन गेट 2 kg मोर ऑफ इट फॉर ₹360। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर kg ऑफ द आइटम। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके चलते इसका ग्राहक इसका ₹360 में 2 kg वस्तु ज्यादा खरीद सकता है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अपने पास कितना रुपया है? 360 का 20%, 360 का 20% कितना हो जाएगा? तो आपने कहा सर ₹72। कितना हो जाएगा? ₹72। अभी अपने को क्या करना है, अभी ये जो सामान है 2 kg, इसी से कंपेयर कर देना है। तो 2 kg की कीमत है मेरे भाई, 2 kg की कीमत है ₹72। देन यहाँ से 1 kg की कीमत आ जाएगी 36। लेकिन ये परिवर्तित मूल्य है, लेटर प्राइस है, चेंज हुआ मूल्य है। हमें क्या चाहिए? फॉर्मर या ओरिजिनल प्राइस। तो 20% की कमी हो जाती है, जैसे बोला 20% की कमी, वैल्यू 80 मॉडल 100, और यहाँ से आपका ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा 36 × 100/80, क्योंकि 100 जो होता है वही तो ओरिजिनल प्राइस होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 20 × 100 और 20 × 80, 4 × 9 = 36 और 9 × 5 से करने पे कितना आ जाएगा? 45। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। बढ़िया सवाल है, कुछ नहीं करना होता है। जितना परसेंट इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट हो, आप सीधे जो अमाउंट अपने पास हो उसका उतना परसेंट निकाल लो। उतना परसेंट निकालने के बाद जितना सामान कम या ज़्यादा मिला हो उसी से कंपेयर कर दो। यहाँ से जो प्राइस आएगा ये बाद वाला मूल्य है, परिवर्तित मूल्य है, हमें प्रारंभिक चाहिए होगा। जितना परसेंट वृद्धि बोले 100 में जोड़ो, कमी बोले 100 में से घटाओ, बेस को 100 रखो, और हमेशा परिवर्तित मूल्य को गुणा करो। 100 हमेशा ऊपर रखो, बढ़ी या घटी वैल्यू हमेशा नीचे रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि द प्राइस ऑफ अ टैबलेट इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 2.5% ड्यू टू रिडक्शन इन सेल्स। व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन द फाइनल प्राइस ऑफ द टैबलेट। एक टैबलेट के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, बिक्री में कमी के कारण फिर 2.5% की कमी कर दी जाती है। जैसे इस ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 10×10 फॉर्मूले का यूज करेंगे। 10×10 कितना होता है? 100। 10% की वृद्धि की जाती है तो 11। 2.5% की कमी की जाती है, 2.5% की कमी की जाती है अगर, तो देखो अगर 25% की कमी की जाती तो 2.5 घटता, यहाँ पे 2.5% की कमी की जा रही है तो 0.25 घटेगा, 0.25 घटेगा मतलब 9.75 हो जाएगा। अभी 11×5 = 55, 11×7 = 77 और 5×2 = 82, 11×9 = 99, 99 × 8 107.25। तो आपका करेक्ट आंसर आ गया इंक्रीज
बाई 7 पॉइंट, देखो ना 100 से 107.25 में से जब आप 100 को घटा लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 7.25%। किसी भी 10 को 10 प्रतिशत से बढ़ाने पर एक वृद्धि होती है और किसी भी 10 को 10 प्रतिशत से कम करने पर एक कमी होती है। हमने सीधे 10 × 10 फॉर्मूले का यूज़ किया। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 10% की वृद्धि प्लस 10, ढाई की कमी माइनस ढाई, फिर माइनस 10 गुणे 2.5/100 कर लेते तो 10 में से ढाई गया कितना आता, 7.5 आता, 0 से 0 कैंसिल होता, 0.25 आ जाता, तब भी आपका आंसर 7.25% हो जाता। क्या हो जाता, 7.25% हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, अगला सवाल। By selling an article for ₹2200, a profit of 10% is earned. If the same article is sold for ₹2600, then what will be the gain percent? अच्छा, एक वस्तु को ₹2200 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा 100% होता है और जो सेलिंग प्राइस होता है वो 100 प्लस या 100 माइनस होता है। इन द केस ऑफ प्रॉफिट, जबकि प्रॉफिट हो रहा होता है तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस 100 प्लस होता है और जब लॉस हो रहा होता है तो सेलिंग प्राइस 100 माइनस होता है। यहां पर बोल रहा है 10% का प्रॉफिट होता है, 10% का प्रॉफिट, इट मींस कि 110% की वैल्यू हमको दिया है 2200। तो यहां से अगर मैं 0 से 0 कैंसिल कर लूं, 11 × 2 = 22, इसका मतलब 1% की वैल्यू 20 आई है। वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100% क्रय मूल्य 100% होगा, तो हम जान गए कि सामान 2000 का था। अब अगर 2000 का सामान ₹2600 में बेचा गया, कितने में बेचा गया, ₹2600 में बेचा गया, तो देखो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरे भाई, 2000, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया, तो आपने कहा सर सेलिंग प्राइस तो 2600 आ गया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, आपने कहा सर 600 का, 600 का प्रॉफिट कितने पर हुआ, 2000 पर, आउट ऑफ 100%। 20 20 से तीसरा, तीसरे से 2 × 3 = 6, कहने का मतलब इस सौदे में जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 30% का प्रॉफिट होगा। ओके, हमेशा समझिएगा, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, विक्रय मूल्य हमेशा 100 से ज़्यादा या 100 से कम होता है। जब लाभ होता है तो 100 प्लस और जब हानि होती है तो 100 माइनस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एक दुकानदार ने 15 दर्जन कलम ₹1350 की दर से खरीदी और ₹495 में 5 दर्जन की दर से बेचा। तो अगर 15 दर्जन की जो कीमत है वो 1350 है, 1350 है, तो यहाँ से 5 दर्जन की कीमत क्या होगी, तो आपने कहा सर 1350 को 3 से भाग लगा लो, ₹450। मतलब पाँच दर्जन सामान खरीदा 450 में और 5 दर्जन सामान जो बेचा मेरे भाई वो बेचा 495 में, तो कितने का फ़ायदा हुआ, 45 का। कितने पर, 450 पर, आउट ऑफ 100%, 95 से 95, 0 से 0, कहने का मतलब 10% का प्रॉफिट हुआ। सीधा सा क्वेश्चन था, 15 दर्जन की कॉस्टिंग दिया था, 5 दर्जन का सेलिंग दिया था, तो हमने 5 दर्जन का ही, 5 डजन का हमने क्या कॉस्टिंग निकाल लिया और 5 डजन का सेलिंग हमको दिया ही था। तो बहुत ही आसान सवाल था, इसमें कुछ ऐसा नहीं था जिसमें किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज अलाउड व्हेन देन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹1380 द मार्क प्राइस। देखो किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद कितना, 20% का
20% का डिस्काउंट देने के बाद सामान बेचा गया है 1380 रुपए में। 00 कैंसिल, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया आपका 5, 4 से काट लो 4 तिहाई 12, 1 बज गया 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 345 सही है। 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यहाँ से मार्क्ड प्राइस कितना आ जाएगा, तो आपने कहा सर 5 पच्चीस 25, 5 चौक 20 2 22, 5 तिहाई 15 2 17, 1725 रुपया 1700, ये कॉमा है, ये आपका क्या है, ये कॉमा है, ये आपका कॉमा टाइप का लिखा है ऐसे, तो इस हिसाब से 1725 रुपया इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ दोस्तों, अगला सवाल देखो। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹5,000 एट अ रेट ऑफ 8% फॉर 3 ईयर्स। 5,000 रुपए की राशि के लिए 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस क्या होगा, तो आपको बस एक डिफरेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डी डिफरेंस बराबर होता है पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। 3 साल के लिए कोई भी धन होगा, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, 3 साल के लिए हमेशा SICI साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो D बराबर P, P यहाँ पे कितना मेरे भाई 5,000, P कितना है 5,000, R कितना है 8%, तो 8×64 × 100 × 100 × 100 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 308/100 आ जाएगा, 308/100 सही है। तो पहला तो 3030 से कैंसिल कर देते हैं, 3030 से कैंसिल कर देते हैं, सही है ना। अब यहाँ पर देखो कितना आ गया, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 30 और 2 32, 320 × 308 और बटे कितना आ गया, अभी 3 जीरो बचा हुआ है, कितना जीरो बचा हुआ है 3 जीरो, 0 से 0 कैंसिल कर लो, 25 चौक का 100 हो जाएगा और 8 चौक 32 हो जाएगा, लेकिन ये तो कटने वाला है नहीं, पूरा कटने वाला नहीं है, तो फिर ये निकटतम में जाएगा। अच्छा ठीक है, निकटतम में पूछा है, तो 25 × 1 का 25, 5 बच गया, 25 × 50 कितना बच गया आपका, 25 × 1 का 25, 5 बज गया था, 25 × 50, 10 दशमलव ले लो, 25 × 50, चलो तो अब इसको 12×96, तो अब अगर एकदम निकटतम पहुंचाना है तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 99 आपका, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर आने वाला नहीं, सवाल में भी आपसे बोला है टू नियरेस्ट परसेंट नहीं, टू नियरेस्ट रुपए में निकटतम पूछा है, तो निकटतम के लिए आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप बताएंगे सर 12×96 हो रहा है और 8×16 2 रुपया करीब और जा रहा है, तो 99 आपका इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या दिया है, a² + b² + c². अब अगर मैं इसको इधर ले लूँ तो −2a − 2b + 2c + 3 = 0 हो जाएगा। अब बस आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि ये a+1 का होल स्क्वायर है, a − 1 का होल स्क्वायर है, क्या है मेरे भाई a − 1 का होल स्क्वायर, b − 1 का होल स्क्वायर प्लस c + 1 का होल स्क्वायर = 0 है। यहाँ से हमें पता चल गया a का मान 1 है, b का मान भी 1 है, c का मान −1 है, ये वैल्यू यहाँ ले जाके रखेंगे, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। आपने से क्या पूछा है, a + b + c का मान पूछा है, a बोले तो 1, b बोले तो 1, c बोले तो −1, कहने का मतलब इस सवाल का करेक्ट वाला जो आंसर है दोस्तों ये क्या है आपका +1 आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 24 और 16 का तृतीय अनुपाती, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन 16 और 24 का तृतीय अनुपाती। तो देखो 16 का
क्या रिलेशन है, 16 में 8 ऐड करो 24, 16 और 8 24, मतलब कि ये इसका 1.5 टाइम है। तो जब मैं 24 का डेढ़ गुना करूंगा तो ये 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ये सी आपके इस सवाल का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, कह रहा है a:b = 3:4, और फिर क्या कह रहा है b:c। जब भी कभी जैसे a:b क्या दिया है, a:b 3:4 दिया है मेरे भाई, और b:c जो दिया है ना वो 1:5 दिया है, a:c अपन से पूछा है। तो जब भी कभी ऐसे प्रश्नों में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का रेशियो पूछेगा, प्रथम पद और अंतिम पद का रेशियो पूछेगा, तो आप अनुपातों का सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप सीधे अनुपातों का गुणा कर दीजिए, आप सीधे अनुपातों का गुणा कर दीजिए, आपको आपके सवाल का सही आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे क्या कर रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स अपन वाई। अच्छा, गुणा कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8x - 8 = 40y बराबर 7x + 7 = 35y, सही है ना। तो यक्स इधर कर लो, यक्स बराबर 75y, तो यक्स बटे वाई बराबर जो जिसके साथ है उसको तिरछा तिरछा देखेगा, 75/1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे भाई, 75/1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायरिंग ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो बस आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एक से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग फल कितना होता है, 385 होता है, कितना होता है मेरे भाई, 385 होता है, कितना होता है 385, सही ना। 10 × 11 × 21/6, तो देखो 2 × 5 = 10, सॉरी 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 3 × 7 = 21, 7 × 5 = 35 × 11। अब मैं इस 385 को जब 10 से भाग लगा दूंगा तो 38.5 इसका एवरेज आ जाएगा, जो सी ऑप्शन में रखा हुआ है, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको लर्न होना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक 385 होता है और 1 से लेकर 20 तक 2870 होता है। ओके, आइए अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 10 पुरुष या 15 महिलाएं किसी काम को 20-30 दिन में, 10 मेल है मैन है और 15 क्या है फीमेल है, 10 मेल है और 15 क्या है मेरे भाई, 15 फीमेल है, जो काम को कितना दिन में करती हैं, काम को 30 दिन में। अच्छा, 10 मेल और 15 फीमेल, मतलब यहाँ से पता चल गया कि 10 आदमी बराबर 15 औरत है, 10 आदमी बराबर 15 औरत है, तो 5 आदमी बराबर 2 से भाग करो, 7.5 औरत हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 7.5 औरत, क्योंकि यहाँ 15 आदमी है तो आराम से बदल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम कह रहे हैं काम किससे करा लो, महिला से, तो 15 महिलाएं काम कर रही हैं 30 दिन में, 15 महिलाएं काम कर रही 30 दिन, अब क्या बोल रहे हैं, 15 आदमी 27 महिला, तो अगर 5 आदमी बराबर 7.5 महिला है तो 15 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, 3 से इधर भी गुणा कर दो तो 3 × 7 = 21 = 22, 22.5 महिला ऐसे और 27 ऐसे, तो 49.5 महिला काम करेगी कितना दिन में। मामला फंस रहा है, किससे काटें, 3 से अगर इधर 5 से काट दें, एक काम करते हैं ना, वैल्यू थोड़ी चेंज कर लेते हैं, आएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 10 आदमी बराबर 15 औरत, तो यहाँ से 3 औरत बराबर 2 आदमी, ठीक है, तो चलो आदमी से काम कराते हैं, तो 10 आदमी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, यहाँ 15 आदमी है तो 15 है ही। अब देखो
तीन औरत बराबर दो आदमी, तो 27 का मतलब 9 से गुणा हुआ है, तो 27 औरत बराबर 18 आदमी, 18 आदमी इसकी जगह पर आ गया, 18 आदमी यहाँ, 15 आदमी यहाँ, 18 15 कितना हो गया 33 आदमी काम करेगा कितना दिन में, तो कितना आ जाएगा 11, तो 100/11 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चेंज करना थोड़ा सा आसान हो गया, इसलिए मैंने चेंज किया था टैक्टिक क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले सवाल पे आओ। देखो दो अगर एक संख्या P 2 से डिवाइड है, कोई संख्या जो है P अब वो 2 से डिवाइड है, एक दूसरी संख्या Q है जो 3 से डिवाइड है, 2 और 3 दोनों ही को प्राइम नंबर हैं, तो P गुणे Q हमेशा 6 से डिवाइड होगा। किससे? P इंटू क्यू हमेशा ही 6 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों कैसे नंबर है मेरे भाई, प्राइम नंबर है। a प्लस बी के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें जिसमें संख्या 4a प्लस, अच्छा क्या है संख्या, 4 है, a है, 0 है, 6 है, 7 है और b है। जरा अल्टरनेट डिजिट देखिए क्या क्या है, 4 है, 0 है, 7 है, तो 7 4 11 माइनस यहाँ पर क्या है a है, सॉरी यहाँ पर क्या है भैया, a है, 6 है और b है, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस 6, तो इसको भी 11 लाना है, तो 11 लाना है तो इसका मान क्या होगा, a प्लस बी का मान 5 भी हो सकता है, a प्लस बी का मान 16 भी हो सकता है, और a प्लस बी का मान 6 मतलब कि 11 से कटने के लिए हमें क्या चाहिए, 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 6 22 सो क्या, सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें जिसमें संख्या 11 से विभाजित हो, तो भैया 11 6 5 और 16, तो 5 लगा लो क्योंकि 5 हो सकता है, ए और बी का मान 5 होगा, 6 5 11 11 से 11 कट जाएगा, 5 भी हो सकता है और 16 भी हो सकता है। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, तो ये अगर 16 और 5 है, अगर ये 16 भी हो सकता है, अच्छा ठीक है, वेरी गुड, तो इसका सम पूछा है ना, तो इन दोनों का सम 5 भी हो सकता है, इन दोनों का सम 16 भी हो सकता है, अब इसका पूरा योगफल पूछा है, तो करेक्ट आंसर 21 हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 2 की पावर 31 को 5 से डिवाइड करना है, 2 की पावर 31 को किससे डिवाइड करना है, 5 से, जब भी 5 से भाग लगाना हो तो केवल यूनिट डिजिट पे चले जाओ। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर इसको क्या करिए, 4 से भाग लगा दीजिए, 4 7 28 शेष आ जाएगा 3, शेष आएगा 3 तो 2 की पावर 3 लगा दीजिए, 8, ये आ गया इकाई का अंक। अब देखो अगर 5 से भाग लगाना है, अगर 5 से भाग लगाना है और इकाई पर 8 आ गया है मेरे भाई, तो आपका शेष 3 बचेगा, इकाई पर 9 आता तो 4 शेष बचता, इकाई पे 1 आता तो 1 ही शेष बचता, सीधे 5 से छोटी संख्या इकाई होगी तो वही शेष होगा, 5 से बड़ी होगी तो 5 घटा लीजिएगा, बस आपको और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये क्या दिया है, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, आपसे पूछा है बताओ यस स्क्वायर प्लस यस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस यस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यस माइनस सी का होल स्क्वायर, और नीचे दिया है मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे प्रश्नों में जब समीकरणों की संख्या राशियों की संख्या से कम हो, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इक्वेशन, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो का प्रयोग करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो मतलब किसी एक संख्या को जीरो करते हैं। अब किसको जीरो करेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार यूज हुआ हो, तो हम देख रहे हैं यस ज़्यादा बार यूज हुआ है, तो हमने कह दिया यस
बराबर जीरो। तो जब यस बराबर जीरो कर दिया तो हर जगह खत्म हो गया। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बहुत प्यार से बिना पेन चलाए ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम बता सकते हैं। इसका उत्तर कितना होगा ए। यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, जिसको आप कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पुटिंग वैल्यू मैथड। ओके अगले सवाल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 9 अंक वाली एक संख्या 8 ए 7 5 6 9 3 ए बी 9 से विभाजित है तो ए और बी का मान क्या होगा। तो देखो जोड़ लो 8 4 12 8 4 12 12 7 19 19 5 24 24 3 27 27 खत्म हो गया, 6 भी खत्म और 9 भी खत्म हो गया, बचा क्या 6 प्लस ए प्लस बी हमको लेना है, 6 प्लस ए प्लस बी लेना है। अब देखो अगर मैं 6 ए की जगह 3 रख दूं, ए की जगह 3 रख दूं तो 9 हो जाएगा और बी 9 ठीक है। अगर ए की जगह 4 रखूंगा तो 6 4 10 8 18, ए की जगह 4 रखूंगा, ए और बी का मान ज्ञात करें तो 6 4 10 6 16, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। अब अगर ए की जगह मैं 3 रख रहा हूँ तो 6 3 9 9 18, और 4 रख रहा हूँ 9 अंक वाली संख्या, इफ द 9 डिजिट नंबर 8 4 7 6, कहीं जोड़ने पे दिक्कत हुई है क्योंकि दो आंसर आ रहा है 8 4 12 12 7 19 12 7 19 5 24 24 36 3 24 36 33 33 9 33 9 कितना हो गया आपका 33 और 9 42। तो 42 हमने ले लिया, 42 प्लस ए प्लस बी ठीक है ना। तो 42 को भी जोड़ लो कितना आ गया, 6 ही तो आ गया, ठीक तो था, 6 प्लस ए प्लस बी आ गया। तो 6 में ए अगर 3 रख दें और बी 9 रख दें तो 6 3 9 9 18 कट जाएगा, और अगर ए की जगह 4 रख के बी की जगह 8 रख दे 6 4 10 18 तब भी कट जाएगा। तो भैया इस सवाल का ये दोनों ही ऑप्शन सही हो रहा है, यहाँ पर ऑप्शन में कोई एरर है इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ पर सी और डी दोनों, ए और सी दोनों ऑप्शन सही हो जा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। दो संख्याओं का रेशियो 4:5 का है, दो संख्याओं का रेशियो 4:5 का है, इनका जो एलसीएम है, इनका जो लघुत्तम समापवर्तक है वो 180 है। तो क्या करना पड़ेगा, 4 × 5 सही है, 4 × 5 × SCF बराबर 180। तो यहाँ से SCF बराबर 180/5 × 20, 5 × 20 का मतलब 9 आएगा। क्या पूछा है, वॉट इज द SCF, वॉट इज द SCF, वॉट इज द SCF, SCF कितना आएगा मेरे भाई, 9 आपके इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ एरर यहाँ भी है तो 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाते हैं। K1 K2 दो अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं, K1 भी प्राइम नंबर है, K2 भी प्राइम नंबर है, तो इनका जो LCM होगा वो K1 × K2 होगा, इनका जो LCM होगा वो क्या होगा, इनका जो LCM होगा वो होगा K1 × K2, और इनका जो SCF होगा, इनका जो SCF होगा वो 1 होगा। अब हमसे क्या पूछा है कि दोनों का गुणा कर दो, तो भैया K1 × K2 × 1 इसका मान होगा K1 × K2, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ये देखिए आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस, जब भी कभी सवाल a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा होगा तो हमारा करेक्ट आंसर 2 आएगा। देखिए ना ऊपर क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे लिखा है मेरे भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पे ऊपर आएगा ट्वाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर 2 आ जाएगा।
आपके इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दो आ जाएगा। नेक्स्ट, ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री, बहुत बढ़िया सवाल है, हाल फिलहाल में पूछा गया, सबसे लेटेस्ट सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा गया। तो ये क्या है भैया, कभी भी अगर अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री है तो आपको पता होना चाहिए 1 प्लस टेन अल्फा और 1 प्लस टेन बीटा, इसका मान 2 होगा। लगे हाथ ये भी जान जाओ 1 माइनस कॉट अल्फा और 1 माइनस कॉट बीटा का मान भी 2 ही होगा। तो आपके इस सवाल का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन वन टेन टू टेन थ्री, ये टीटी कॉन्सेप्ट है, टेन वन टेन टू टेन, ये 89 तक है। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि टेन अल्फा इंटू टेन बीटा का मान 1 होता है जब अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पर 90, फिर ऐसे 90, तो आपका करेक्ट आंसर 1 आ जाएगा इस सवाल का। ये भी बहुत बार का पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या करें, लंब प्रिज्म का आधार, एक प्रिज्म है मेरे भाई जिसकी लंबाई और चौड़ाई, जो बेस है उसकी लंबाई चौड़ाई 3:2 के रेशियो में है। प्रिज्म की ऊंचाई जो इसकी हाइट है वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का परिमाप मतलब पेरीमीटर इंटू हाइट, ये बराबर दिया है 288। आधार का परिमाप क्या होगा, 2 गुणे लंबाई 3x प्लस चौड़ाई 2x और गुणे ऊंचाई 12 बराबर 288 है। तो 12 × 2 = 24, 3×2 = 5x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 24 और 24 × 4 = 24 × 48, 5x बराबर 12 बचा, 5x बराबर कितना बचा, 12। तो यहाँ से x बराबर 12/5 हो गया, x बराबर कितना हो गया, 12/5। अब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा आपका, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो जब मैं यहाँ x का मान 5 रखूँगा तो ये 12 × 36/5, लंबाई कितना आ रहा है, 36/5 आ रहा है, चौड़ाई 12 × 2 = 24/5 आ रहा है, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो रहा है मेरे भाई, 12। तो ये तो आपका एग्जैक्ट आंसर आने, लंबाई चौड़ाई 3×2 के रेशियो में 3:2 हो गया, ऊंचाई है आपका 12 सेंटीमीटर, कुल पार्श्व पृष्ठ, कुल पृष्ठ, अच्छा टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है भैया, नॉट टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो आधार का परिमाप क्या होगा, 3x + 2x, ऊंचाई 12 + 3x + 2x, 3×2 = 6, 3x × 2 = 6x² 12x² 12x² बराबर 288 इसने दे दिया, क्या दे दिया, 288 सही है। अब यहाँ से कितना, 3×2 = 5, 5×2 = 10x और गुणे 12, तो 120 कर दें, 120x + 12x² बराबर 288। तो यहाँ से 12 कॉमन कर लें तो x² + 10x और ये कितना हो जाएगा, माइनस 12×2 = 24, 12×4 = 48, 0। अब ये आपका 12×2 = 24, x² + 12x - 2x - 24 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 2, क्योंकि ये तो माइनस में आ जाएगा, तो जब x का मान 2 आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6, और ये कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा आपका 4। तो आधार का क्षेत्रफल 6×4 और गुणे ऊंचाई, सही है। तो 12×4 = 48, 48×6 = 6×8 = 48, 6×4 = 24, 4×8 = 28, 288 cm³ आ जाएगा, 288 cm³। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला सवाल, एक समकोण त्रिभुज में एक अंतःवृत्त स्थापित है, एक समकोण त्रिभुज है मेरे भाई, ये क्या है आपका, 8 15 8 15, तो ये 17 हो जाएगा, और आपसे कह रहा है कि इसी में एक अंतःवृत्त बना हुआ है, इसका आपसे क्षेत्र क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है। तो r बराबर होता है Δ/S, डेल्टा क्या हो गया, 1/2 × 8×15, तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60, और यस कितना आएगा, तो 17 कितना 8 17 कितना हो गया, 25 25 15 40 40 का आधा 20,
तो 20 तिहाई कितना आ जाएगा 60, तो ये आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो गया। क्या हो गया? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। ओ केंद्र वाले एक सर्किल में, एक सर्किल है जिसका केंद्र ओ है, 6 सेंटीमीटर लंबी एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड कितनी लंबी है मेरे भाई 6 सेंटीमीटर, जो सेंटर से कितनी दूरी पर है 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये 3 होगा तो ये 5 आ जाएगा, मतलब कि रेडियस 5 हो गई। रेडियस अगर 5 हो गई तो डायमीटर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। रेडियस 5 हो गई तो डायमीटर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये हैं आपके 25 क्वेश्चन। आप ये नेवी ट्रेड्समैन के सारे स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने आया हूं कि नेवी ट्रेड्समैन में इंग्लिश में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का क्या लेवल है, क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड है, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या इनका पैटर्न है और क्या इनका सिलेबस है, सब बताएंगे आज आपको। तो इसको बताने के लिए कि भाई पैटर्न क्या है और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि शानदार मॉडल पेपर। तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग नेवी ट्रेड्समैन का पेपर कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द फर्स्ट क्वेश्चन वॉइस का है। अब वॉइस में क्या होता है कि सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में दिया गया हो क्वेश्चन, पैसिव में चेंज कर दो, पैसिव में दिया गया है एक्टिव में चेंज कर दो। चलो भाई यहाँ पे क्या किया गया भाई, द थिएटर वाज कीपिंग अ सीट फॉर यू। अच्छा, द थिएटर वाज कीपिंग अ सीट फॉर यू, वॉइस है चेंज कर दो। वाइस में हम टेंस को चेंज करते नहीं हैं, क्या करना है तुरंत पहले देखो, यहाँ पर वाज है तो अब आपके पैसिव वाइस में वाज या वर आना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर हैज आ गया, गलत हो गया, यहाँ पर हैज आ गया, गलत हो गया, उड आ गया, गलत हो गया, वाज केवल यहाँ पर है, कंटिन्यूअस है, पैसिव में कंटिन्यूअस में बीइंग लग जाता है, तो वाज के साथ बीइंग केवल एक ही ऑप्शन में आया है, आंसर हो गया भैया। कुछ नहीं करना है आपको, नरेशन वाइज तो मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि बस एक नज़र आपने देखा नहीं, चारों ऑप्शन को रीड किया नहीं, तुरंत आंसर। चलिए फिलहाल एक आपके यहाँ वाइस आता है, आगे देखिए दूसरा वाइस देखें आप, दूसरा वाइस का क्वेश्चन है आई हैव पोर्ड द टी। हम टेंस नहीं चेंज कर सकते वाइस में और ना ही मीनिंग चेंज कर सकते हैं, करना क्या है तुरंत देखो, यहाँ पर हैव दिया है, देखो कितने में हैव आया है, यहाँ हैज दे दिया गया, गलत हो गया, यहाँ पर द टी वाज दे दिया गया, गलत हो गया। अच्छा यहाँ पर हैज है, यहाँ पर हैज है, लेकिन नहीं नहीं यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, द टी हैज, यहाँ पर हैव था, यहाँ पर आपका द टी के हिसाब से हैज हो जाएगा, बीन लग जाएगा, पोर्ड का पोर्ड हो जाएगा, बाई करके जो सब्जेक्ट ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। दो क्वेश्चन हो गए वाइस के, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भैया नरेशन का, किसका है नरेशन, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा गया है जो इन्वर्टेड कामास के अंदर है। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इन्वर्टेड कामास के अंदर के टेंस को बदलेंगे। पहली बात तो यहाँ पर जो हैव है बन जाएगा हैड, नंबर एक। दूसरी बात, ये फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके स्थान पर हो जाएगा दे, दे हो जाएगा। कैसे होगा डिटेल जानने के लिए आप मेरे प्लेटफार्म चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन से जुड़ सकते हैं। अब बहुत बड़ी भैया बहुत दूर हैं आप, बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, तो फिर मैं लेकर आता हूँ कभी कभी मैराथन की क्लास ज़बरदस्त, वहाँ से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो भैया यहाँ पर हो जाएगा दे हैड, देखो कहीं पर आया है दे हैड, दे हैड, इन्होंने हैड टू, या दे वी हैव टू, तो दे हैड टू, दे हैड टू, हैड टू सब में आ गया। नहीं यहाँ पर वी आ गया, दे होना चाहिए, वी आ गया। अच्छा और का अंतर भैया, दे सेड दैट, दे हैड टू कंप्लीटिंग कर दिया उन्होंने भैया, देखो कंप्लीटिंग बी कहाँ से आ गया ना, ये भी गलत हो गया, आंसर ये है आपका। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या भैया, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका कि दे सेड वी हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई, वी है
दे के हिसाब से दे हो जाएगा पहली बात तो, वी दे में चेंज हो जाएगा, हैव सेड है हैड में चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। देखो दे हैड बीन वेटिंग कहाँ आया है, यहाँ वी आ गया है, दे हैड बीन वेटिंग यहाँ पर आया है, यहाँ हैव आ गया, हैव आ गया, तो यही आंसर हो गया आपका बी। बहुत अच्छा, आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी ऑफलाइन क्लास से जुड़ें, मास्टर बना देंगे आपको इंग्लिश का। एरर देखो, एक सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस को तीन भागों में पहले डिवाइड कर दिया गया है, पार्ट ए नाम दिया गया, पार्ट बी और पार्ट सी। अब आपको देखना है कि भैया इस पूरे सेंटेंस में जिसमें इसके तीन पार्ट हैं कहीं कोई ग्रामर का एरर है, अगर एरर है तो भैया आपका आंसर हो जाएगा, अगर कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा नो एरर। अच्छा भैया ऑल हिज, ये देखो भैया ये क्या है हमारा, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। जब कंपाउंड नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन करना हो तो उसका जो हेड वर्ड होता है उसको बनाते हैं प्लूरल, यहां का हेड वर्ड सिस्टर है तो यहां पर सिस्टर्स होना चाहिए था, ला में हम एस नहीं जोड़ सकते हैं, यानी पार्ट ए में एरर मिल गया हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, माई फादर गेव मी अ पीस ऑफ, इसको हम बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक। ग्रामर को पूछने का ये दूसरा पैटर्न है, ये जो है इसको बोलते हैं स्पॉटिंग एरर, ग्रामर को पूछने का एक पैटर्न, ये इसको हम बोलते हैं सेंटेंस फिलर, ग्रामर को पूछने का एक पैटर्न है आपका। माई फादर गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, तो देखो एडवाइसेस यहाँ पर हमको नाउन चाहिए, नाउन चाहिए, एडवाइस ये तो वर्ब है, गलत हो गया, वर्ब है गलत हो गया, एडवाइसेस नाउन में एस आई एस लगता नहीं, गलत हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन होता है आपका एडवाइस, प्लूरल फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता इसका। द लोकेशन ऑफ दिल्ली इज बेटर देन, अब देखो यहाँ पर क्या करना, देन देन द लोकेशन, देन द लोकेशन ये यहाँ पे आना चाहिए था, यानी इसको हम रिपीट करते हैं यहाँ पर, लेकिन नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन को एग्जिस्टेंस में लाया गया कि भाई नाउन की रिपीटेशन ना हो, तो इसलिए प्रोनाउन बनाया गया है। तो यहाँ पर हम नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, ये सिंगुलर है ये हमारा प्लूरल, यहाँ पर हो जाएगा दैट हो जाएगा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर आ जाएगा दैट, देन दैट ऑफ। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी आपका सेंटेंस फिलर है भैया, जय इज द, अब देखो यहां पे, यहां पहली बात तो द लग गया आर्टिकल, अब ये कंपरेटिव डिग्री है, द के बाद में कंपरेटिव डिग्री, नो नो नो, सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट का प्रयोग, मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री अपने पहले आर्टिकल द लेता भैया। अगला क्वेश्चन देखें, विच इज, सुपरलेटिव डिग्री आ गया, सुपरलेटिव डिग्री अपने पहले आर्टिकल द लेता भैया, सिंपल सा क्वेश्चन है ये सब, तो ये सब तो आप मेरे से पढ़ें तो आप मास्टर बन जाएंगे इसके सबके। आगे देखें, नो सूनर, रूल ऑफ इन्वर्जन, एडवर्ब एक टॉपिक है आपका, पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है एडवर्ब, उसी का एक सेगमेंट है रूल ऑफ इन्वर्जन, जिसमें अगर किसी सेंटेंस को नो सूनर से स्टार्ट किया जाए तो इसके तुरंत बाद में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा। अब देखो भैया हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट कहीं है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अच्छा यहाँ पर इट स्टार्टेड पास्ट टेंस में है, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर जो वर्ब आएगी पास्ट टेंस होगी, प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका डिड और सब्जेक्ट हो गया आपका ही, ऑप्शन हो गया आपका सी। अगला क्वेश्चन देखें भैया, ये भी आपका सेंटेंस फिलर है, यानी आपके यहाँ नेवी ट्रेड्समैन में ग्रामर को पूछने का जो पैटर्न है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सेंटेंस फिलर या फिल इन द ब्लैंक्स। नोबडी विल प्रोहिबिट, ये देखो प्रोहिबिट के बाद में 500 बार बताया, उसके बाद में आता है हमेशा प्रेपोजिशन फ्रॉम आता है, प्रोहिबिट प्रिवेंट डिबार सबके बाद में हमेशा प्रेपोजिशन फ्रॉम आता है। ये भी सेंटेंस फिलर आ गया आपका। सी प्लेड बोथ बैडमिंटन, अच्छा बोथ के साथ भैया कंजंक्शन का कोरिलेटिव कंजंक्शन आता है एंड, बोथ अपने साथ में पेयर लेकर आता है एंड को, ऑप्शन बी हो जाएगा। जबरदस्त आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ सारे टॉपिक से। अगला क्वेश्चन देखें, इका भैया सिनोनिम है आपके यहाँ, सिनोनिम भी आता है, एंटोनिम भी आता है, ईडियम भी आता है, साइनो, एविडेंस मतलब होता है दिखावा या दिखाना, दिखावा करना, सो हो जाएगा,
ये तो भैया आपको रटना पड़ेगा, मेरे साथ में आए तो मैं आपको बताऊंगा कौन से वर्ड आपको पढ़ने हैं। आगे देखो भैया, एंटनिम पूछ रहा है गैरुलस मतलब होता है बहुत बोलने वाला, अपोजिट पूछ रहा है बिल्कुल ना बोलने वाला हो जाएगा रेटिसेंट, बिल्कुल ना बोलने वाला गैरुलस बहुत बोलने वाला। आगे देखें, ये भी एंटनिम आ गया फिर से, गैटी मतलब होता है बहुत ही प्रसन्न, क्या होता है बहुत प्रसन्न, तो इसका अपोजिट पूछ रहा है प्रसन्न का क्या हो जाएगा दुखी हो जाएगा शारो हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है शारो। अगला क्वेश्चन देखें, साइनो आ गया, प्लेथोरा, प्लेथोरा मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में बहुत अधिक ठीक ठाक काफी मात्रा में, तो इसका हो जाएगा भैया एबंडेंट हो जाएगा प्रचुर मात्रा में, अबेंडन तो त्यागना होता है। आगे देखो भैया, एक पैसेज आ गया है आपके लिए बहुत शानदार पैसेज है, पैसेज मैं आपको पढ़ा देता हूँ। वैसे तो पैसेज क्या है, पैसेज एंड पी क्यू आर एस बोथ आर बेस्ड ऑन ओनली प्रैक्टिस, इफ़ यू मेक गुड प्रैक्टिस यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन ऑफ द कॉम्प्रहेंशन वेरी इजिली, अगर आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो इसका क्वेश्चन बहुत आसानी सॉल्व कर सकते। चलो मैं पढ़ाता हूँ आपको तेजी से पैसेज। पैसेज क्या भैया, During the early days as editor of the popular magazine Saturday Evening Post, एक मैगजीन जिसका नाम था Saturday Evening Post, इसके एडिटर के रूप में बहुत ही लोकप्रिय मैगजीन Saturday Evening Post के एडिटर के पद पर जो मेरे शुरुआती दिन थे, लार्ज लॉरिमर बोल रहे हैं कि लार्ज लॉरिमर ये जो इसको लिखने वाले हैं उनका नाम है, लार्ज जॉर्ज लॉरिमर डिड मच ऑफ द रीडिंग ऑफ अनसोलिसाइटेड स्टोरीज, जो हमारे ये थे एडिटर जो पत्रों को एडिट करते थे मैगजीन में, किस पत्र को छापना है किसको नहीं, किसको प्रकाशित करना है किसको नहीं, किसको पब्लिश करना है, तो क्या करते थे बहुत सारे पत्रों को पढ़ते थे, कैसे उसमें बहुत सारे पत्र हुआ करते थे अनसोलिसाइटेड स्टोरीज, जिसमें बहुत बकवास टाइप की कहानियां लिखी होती थी जिसको पढ़ने के बाद में डस्टबिन में उसको फेंकना पड़ता था, यार दिस इज गुड फॉर नथिंग, दिस मीन्ट इंडलेस आवर्स ऑफ सिटिंग एट द डेस्क, घंटों घंटों तक बैठे रहते थे, पोरिंग ओवर बिग स्टॉक्स ऑफ मैनोस्क्रिप्ट्स, हाथ द्वारा लिखे गए पत्रों को गिराते थे उड़ेलते थे, ट्राइंग टू डिसाइड, फिर उसको पढ़ करके डिसाइड करते थे कि विच वर वर्दी ऑफ पब्लिकेशन एंड विच वर नॉट, इन पत्रों में से कौन मैगजीन में पब्लिश करने लायक है कौन नहीं, पहले खूब उसको पढ़ते थे। लॉरिमर बिकेम एन एक्सपर्ट एट मेकिंग दीज डिसीजंस, इस प्रकार से वो इतना मेहनत किए शुरुआती दिनों में कि उनको काफ़ी दिनों के बाद इतने एक्सपर्ट हो गए कि पत्र का दो चार छः लाइन पढ़ करके उनको आइडिया लग जाता था कि ये जो पत्र जो मैन्यूस्क्रिप्ट आया है ये पब्लिश करने लायक है कि नहीं, इतने एक्सपर्ट हो गए। वन डे एक दिन ही रिसीव्ड अ हफी लेटर, उन्होंने एक ऐसा लेटर प्राप्त किया जिसमें किसी ने अपने नाराजगी को दिखाया था, फ्रॉम अ वुड बी राइटर, किसी एक भावी लेखक के द्वारा, किसी एक वुड बी का मतलब फालतू भी होता है भावी भी होता है, तो यहाँ पर हम फालतू की बात कर लें, किसी एक फालतू के राइटर के द्वारा उनको एक पत्र प्राप्त हुआ जो जिसमें उसने अपने गुस्से को बताया था, गुस्से का इजहार किया था, हु हैड अ कंप्लेंट, उसने शिकायत दर्ज की थी अपने पत्र में, लास्ट वीक क्या लिखा था कि लास्ट वीक पिछले वीक यू रिजेक्टेड माई स्टोरी, आपने मेरी स्टोरी को रिजेक्ट कर दिया, उसको पब्लिश नहीं किया, सी रोट उस महिला ने, अच्छा जिसने कंप्लेंट दिया था हफी लेटर के थ्रू तो वो क्या था, वो एक महिला थी, यहाँ पता लग गया। आई एम पॉजिटिव, महिला कह रही है पत्र में कि आई एम पॉजिटिव, मुझे पूरा विश्वास है कि यू डिड नॉट रीड इट, आपने मेरे पत्र को पढ़ा नहीं, बिकॉज क्योंकि एज अ टेस्ट, आप ये जानने के लिए कि पत्र आप पढ़ते हैं कैसे रिजेक्ट करते हैं, आई पेस्टेड टूगेदर पेजेस 14, 15 एंड 16, मैंने 14, 15 और 16 तीनों पेज, तीन पेज को आपस में पेस्ट कर दिया था, द मैनोस्क्रिप्ट हाथ के द्वारा लिखा गया जो पत्र था केम बैक विद द पेजेस स्टिल पेस्टेड, ये तीनों पेज जब मेरे पास मेरा लेटर वापस आया तो तीनों पेज चिपके हुए मिले एज इट इज़, तो मुझे मालूम हो गया कि आपने पत्र को पढ़ा नहीं, बिना पढ़े उसको रिजेक्ट कर दिया, देयर इज़ नो क्वेश्चन इन माई माइंड, मेरे दिमाग में कोई सवाल नहीं है, बट दैट यू आर अ सेम एंड डिसग्रेस टू योर प्रोफेशन, आप जिस पद पर हैं उसके लिए आप एक शर्म की बात हैं और आप जो है बहुत ही घटिया आदमी
आर्मी हैं, उन्होंने उनको बहुत ही उल्टे सीधे वर्ड में ऐसा लिखा था। लॉरिमर्स रिप्लाई, ये जो आपके जॉर्ज लॉरिमर थे, वाज संक्सिंक्ट, इन्होंने इनके प्रश्नों का जवाब बहुत संक्षेप में दिया। मैडम एट ब्रेकफास्ट व्हेन आई क्रैक ओपन एन एग, जब सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट में अंडे को तोड़ते हैं, आई डोंट हैव टू ईट द होल एग टू नो इट इज़ बैड, अगर कोई अंडा ख़राब है तो हम पूरे अंडे को खा करके नहीं बताते हैं कि अंडा ख़राब है, हम उसको देख करके ही बता देते हैं कि अंडा खाने के लायक नहीं है। इन्होंने रिस्पॉन्ड किया उनके पत्र का। अच्छा भैया, अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन भैया, जल्दी देखो। लॉरिमर डिड मच रीडिंग ऑफ द स्टोरीज, लॉरिमर बहुत सारी कहानियाँ पढ़ते थे, कैसे स्टार्टिंग में दिया गया है अनसॉलिसाइटेड, जो कहानियाँ अनसॉलिसाइटेड हुआ करती थी बकवास की, क्योंकि उससे उनको आइडिया लगता था कि भैया कौन सी स्टोरी यूजफुल है कौन सी वर्थलेस है। नेक्स्ट, लॉरिमर वाज अ गुड एडिटर बिकॉज, लॉरिमर एक अच्छे एडिटर थे, क्यों कैसे मालूम हुआ, क्योंकि ही कुड फाइंड द वर्थ ऑफ द स्टोरी विथ अ लिटिल एफर्ट, क्योंकि उन्होंने इतना एक्सपीरियंस होल्ड कर लिया था स्टोरीज को पढ़ पढ़ के, अनसोलिसाइटेड स्टोरीज को पढ़ पढ़ के, कि उनको पता लग जाता था यार, थोड़ा सा पढ़ते थे तुरंत वो गेस कर लेते थे कि ये पत्र जो है पब्लिश करने लायक है कि नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर है पैसेज के अकॉर्डिंग। अगला देखें, फिर बोला द लेडी रोट अ हफी लेटर बिकॉज, उस महिला ने उस गुस्से भरे पत्र को लिखा था, क्योंकि क्योंकि उसके पत्र को उन्होंने पढ़ा नहीं था, बिना पढ़े उसको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही पढ़ करके गेस कर लिया कि ये पब्लिश करने लायक पत्र नहीं है और उसको वास्तव में पढ़ा नहीं पूरा। लॉरिमर्स रिप्लाई वाज, लॉरिमर ने जो रिप्लाई दिया बहुत ही संक्षेप में दिया, बहुत ही संतोषजनक उन्होंने आंसर दिया, बहुत कम में, बहुत ही ज़बरदस्त, यानी कि उनका जो रिप्लाई था विटी था। विटी मतलब किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी दें, बहुत एक्यूरेट हो, बहुत प्रेसाइज हो। नेक्स्ट, लॉरिमर रेड द स्टोरीज, जो लॉरिमर थे वो स्टोरीज को पढ़ते थे, कैसे वो पढ़ते थे उसको पब्लिश करने के लिए मैगजीन में, यही तो काम था उनका। आगे देखें भैया, टू ग्रीस द पाम, ये तो आगे आपका इसको मीडियम फ्रेज बोलते हैं, ग्रीस द पाम मतलब होता है घूस देना, रिश्वत देना, हो जाएगा टू गिव ब्राइब। ये मैंने आपको बताया कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन नेवी ट्रेड्समैन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, अगला देखें, बैग एंड बैगेज होता है पूरे साजो सामान के साथ, पूरे सामान के साथ, विद फुल लगेज। अगला क्वेश्चन देखें, अ टॉल ऑर्डर होता है बहुत कठिन काम, जिसको करना बहुत ही कठिन हो, हरकुलियन टास्क हो जाएगा। द लास्ट, द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन मेंशन्ड बिफोर यू, यहाँ पूछ रहा है ग्लिब होता है बहुत बात करने वाला, इसका साइनो पूछ रहा है तो हो जाएगा लोकीवेसियस, दिस वन इज द साइनो ऑफ दिस गिवेन क्वेश्चन। इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि आपके ट्रेड्समैन में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चंस, उसमें एंटो, साइनो, idioms and phrases, grammar, comprehension, voice, narration, grammar में आपका basically sentence filler और आपका spotting error। English में पढ़ना आपको सब कुछ है, क्योंकि वो पैटर्न कभी कभी चेंज भी कर देता है, लेकिन जो मैंने पैटर्न आपको बताया ये आपके जो लास्ट ईयर में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किए गए हैं इसी पैटर्न पर पूछे गए हैं, तो समवाट अगला एग्ज़ाम भी इसी पैटर्न पर होने वाला है। तो मैंने आपको पैटर्न बता दिया, क्वेश्चन का मैंने आपको स्टैंडर्ड बता दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 आते हैं मैंने आपको ये बता दिया, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। आप इस पेपर को फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड वॉच करें, और अगर आपको कोई कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर आई नीड दिस, तो आपकी नीड को फुलफ़िल किया जाएगा बाखुशी। आप सारे बच्चों को प्यार भरा जय हिंद।
जय हिंद बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं नेवी आपका ट्रेड्समैन का पेपर, जिसमें बच्चों हम रीजनिंग सेक्शन की बात करेंगे। बहुत ही शानदार बच्चों आपके क्वेश्चन है, इसमें आप जो है इसको करके आपको जरूर जाना, एक एक क्वेश्चन पहले आपको सॉल्व करने खुद से, फिर आपको सोल्यूशन देखना है। आपके एग्जाम में बच्चों जो सवाल आने वाले हैं इससे रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे लिए गए हैं, 25 क्वेश्चन। और इसमें आपको आप देखेंगे जिस समय आप एग्जाम देने जाएंगे आपसे वो बहु क्वेश्चन बच्चों दिखाई देंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया। इस टाइप का क्वेश्चन आपका 100% बच्चों एक क्वेश्चन जरूर आएगा। यहाँ पे देखिए आपके अगर बात करते हैं पहला, यहाँ पे दिया गया 3 माइनस, तो 3 माइनस, माइनस का कोड किया गया बच्चों, माइनस का अर्थ है इनटू, तो यहाँ पे कितना आ गया 15। और यहाँ पे आपका दिया गया डिवीजन, डिवीजन का आपका जो अर्थ है वो कितना आपका, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिवीजन, डिवीजन का अर्थ आपका प्लस है, तो यहाँ पे कितना आ गया 19। इनटू का आपका मतलब क्या हो जाएगा, डिवीजन 8 हो जाएगा, माइनस आपका कितना है 6 है। ये आपका देखिए यहाँ पे आपका प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका दिया गया प्लस का माइनस क्या, प्लस का माइनस है। अब इसको सॉल्व करिए, 15 तो यह 45, 19 कितना हो गया आपका 64, डिवीजन आपका 8 से करना है, माइनस 6, पहले डिवीजन हो जाएगा, 8 माइनस 6 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, बी पार्ट आ जाएगा। अगला देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेपिंग किया गया है, स्टेपिंग से आप पता चल जाएगा आपको कि क्या होने वाला है, तो यहाँ पे आप देखिए कितना जुड़ा है, 10 जुड़ा है, यहाँ पे कितना जुड़ा आपका, तो आप बताएंगे यहाँ पे तो 18 जुड़ा है, यहाँ पे कितना जुड़ा, फिर आगे जुड़ा होगा कितना, यहां से तो आपका पता चल जाएगा कितना आ जाएगा 42। अब यहां से हमें पता नहीं है कि कितना जुड़ा यहां पे, 10, 8, 18, 18 और 8, यहाँ पे मान लेते हैं 26 है, 26 और 8 आपका कितना हो गया 34, 34, 8 देखिए आपका क्या हो गया 42 मिल गया। अब आप यहाँ पे देखिए 30 और यहाँ 26 कितना आ जाएगा आपका, 56 आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, बी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे भी स्टेपिंग कर दीजिए आप, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 90 जुड़ा, तो 90 के बाद यहाँ से कितना जुड़ा 100 जुड़ा, यहाँ पे कितना जुड़ा आपका, तो आप बताएंगे 110 जुड़ा है, 110 जुड़ा, फिर यहां से कितना जुड़ेगा आगे, तो आप बताएंगे 120 जुड़ेगा, तो यहां पे 3, 1, 400 कितना आ जाएगा आपका 30, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका वो कौन सा बन जाएगा, बी पार्ट बन जाएगा। आगे बात करते हैं, यहां पे देखिए स्टेपिंग करिए, आपका कितना जुड़ा भैया आपका, तो आप बताएंगे 1.5 जुड़ा, आगे अगर बात करते हैं 2.5 जुड़ा, आगे अगर हम बात करते हैं 3.5 आपका जुड़ा है, आगे आप देखिए 4.5 आपका जुड़ा, आगे आप जुड़ेंगे कितना, तो 5.5 आपका, 12, 5, 17 और एक कितना हो जाएगा आपका 18, तो यहां से कितना हो जाएगा आपका, डी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे अगर बात करते हैं देखिए, यहां से आपका कितना हो जाएगा भैया आपका जुड़ा कितना 4, तो यहां पे कितना जुड़ा है आपका, तो आप बताएंगे 9, तो ये 2 का स्क्वायर है भाई, ये आपका कितने का है 3 का स्क्वायर है, तो अगला कितना जुड़ेगा आपका 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आपका 16, तो 20, 10, 30 और 8 कितना हो जाएगा आपका 38, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, बी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, यहां पे आपका दिया गया है ये सीरीज आपका, यहां पे कितना आएगा, तो आप देखेंगे अगर हम लोग 8, 4, 12 और 3 इधर से जोड़िए कितना आ रहा है 15, यहां पे आपका 9, 1, 10, 5 कितना हो गया 15, तो यहां पे आपका कितना जोड़ के लाएं आपका 15 हो जाए, 7, 2, 9, 9 और 6 कितना आ जाएगा आपका 15, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, बी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, यहां पे कौन सा अलग दिया गया, देखिए माध्यिका, औसत, साधारण और भयानक, तीनों चीज आपका कहां पे यूज होता है, मैथ में आपका यूज होता है, लेकिन भयानक आपका यूज नहीं होता है मैथ में। आगे बात करते हैं, यहां पे दिया गया आपका कि भैया मलेरिया, प्लेग, डेंगू और टिटनेस में कौन सा अलग है, तो आप देखेंगे ये सारे मच्छर के काटने से होता है, लेकिन टिटनेस आपका मच्छर के काटने से नहीं होता है। आगे बात करेंगे, देखिए बकरी है, गाय है, पिल्ला है और भैंस है, यहां पे कौन सा अलग है, तो आप बताएंगे पप्पी आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा इन तीनों से। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं अगला, यहाँ पे आँख, कान, नाक, जीभ, मस्तिष्क, अगर आप देखेंगे ये आपका 5 सेंस में से 3 सेंस दिए गए हैं, लेकिन मस्तिष्क आपका जो है सेंस नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका डी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे आपका फॉरवर्ड पैटर्न है, यम का आपका एन है, एक लेटर आगे, ए का क्या है बी है, डी का ई हो गया, आर एस ए वी एस टी, एक एक लेटर आपको आगे जाना, तो उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा सी, वाई
का जेड, बस आपको ऐसे ही मिलाना है। तो सी और जेड में अगर आप देखेंगे तो आपका एक ऑप्शन तो कट गया, सी और जेड आएगा, अभी भी तीन है। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं ए का कितना हो जाएगा बी, और इधर से आपका बी आ रहा है तो सब में आपका दिया गया ओ आपका पी एम एन आपका बी के बाद क्या आ जाएगा सी, पी एन सी आपका आएगा। तो पी एन सी यहां पर नहीं है तो आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट आपका निकल कर आ जाएगा। आगे अगर बात करते हैं इससे आप देखेंगे ये आपका क्या है छह है और यहां पे ए पांच है, यहां पे आपका क्या किया एक एक लेटर आपका क्या हुआ है कम हुआ है। तो ये देखिए नौ है आठ हो गया, ये आपका उन्नीस, ये आपका अठारह, ये आपका आठ, ये सात, एक एक कम करना है। अगर आप देखेंगे ई में आपका इधर क्या आ जाएगा डी, जे है आपका तो भैया आपका दस पर होता है, इधर कितना आ जाएगा आई, ये आपका टी, यहां पर आपका कितना हो जाएगा तेरह, आपका एम, यहां पर एफ, यहां पर क्या हो जाएगा आपका ये आपका कितना हो जाएगा बारह, ग्यारह आपका के हो जाएगा। यहां से अगर आप बात करेंगे आई टी एम एफ आपका, आई टी एम एफ आपका हो जाएगा, आई टी एम एफ आपका, आई टी एम एफ आपका होगा ए पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे अगर बात करते हैं देखिए यहां पे आपका जो है अगर हम बात करते हैं ई ऑप्शन आपका नहीं है, यहां पे चार ही ऑप्शन है। यहां पे अगर हम बात करते हैं देखिए ये आपका दिया गया है कि हाँ आपका हाथी भेड़िया और भैया जानवर, अगर हम बात करते हैं हाथी भेड़िया जानवर, हाथी और भेड़िया तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा अलग अलग है लेकिन दोनों ही क्या होते हैं जानवर होते हैं, तो इस टाइप से आपका कौन सा आ जाएगा तो आप बताएंगे सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे अगर चेक करते हैं आप धातु लोहा क्लोरीन, तो भैया लोहा तो आपका क्या हो जाएगा धातु है लेकिन क्लोरीन आपकी क्या होती है गैस होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी पार्ट हो जाएगा। आगे अगर बात करते हैं देखिए स्तनपाई आपका गाय और कौवा, तो जो भैया गाय है वो क्या होती है दूध पिलाने वाली होती है बच्चे देने वाले होते हैं लेकिन कौवा आपका क्या होता है बच्चों स्तनपाई नहीं होता अलग हो जाएगा, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका बी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं यहां पे देखिए दो और तीन आपका क्या हो जाएगा यहां पे कॉमन है, तो पांच का अपोजिट क्या बचेगा आपका छह, यही आपसे पूछा गया है पांच का अपोजिट कितना आ जाएगा आपका आप बताएंगे डी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे अगर बात करते हैं एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम किधर होता भैया दोनों दिशाओं का नाम उत्तर और इधर आपका पश्चिम, तो ये बीच में आ जाएगा उत्तर पश्चिम में मुख करके खड़ा हुआ है पहले दायां बायां, तो दायां और बायां तो कैंसिल हो गया, तो दायां दायां आपका तो ये भी आपका दायां बायां कैंसिल हो गया, अब बचा बचता क्या है आपका दाहिना, तो दाहिना इसका दाहिना किधर आ जाएगा आपका दाहिना होगा, तो यहां पर यह दिशा आएगी, ये दिशा किनके बीच है ये उत्तर और इधर पूरब, तो दोनों दिशाओं का नाम लिया जाएगा उत्तर पूरब, तो यहां से क्या आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट आपका निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं अगला लड़कों की किसी पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से सातवां है, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं श्रीनाथ जो है बाएं से कितना आपका भैया सातवां है आपका, तथा वेंकट आपका जो है वेंकट आपका देखिए यहां पे दाएं से कितना है बारहवां है, यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं वी और यस आपका यहां पे इंटरचेंज हो जाते हैं, तो आपका अब श्रीनाथ बाएं से कितना हो जाता है बाईसवां हो जाता है, तो लड़कों की कुल संख्या दोनों को जोड़कर माइनस वन कर दीजिए, तो 22 प्लस 12 माइनस वन आपका कितना आ गया 33 आ गया, तो यहां पे कुल कितने हो जाएंगे तो कुल आपका 33 लड़के हैं। आगे बात करते हैं देखिए सुधीर ऊपर से भैया सातवां स्थान है, सुधीर का ऊपर से सातवां स्थान है और नीचे से 28वां, कक्षा में कुल कितने लोग हैं 27 प्लस 28 माइनस 1, तो यहां पे कितना आ जाएगा तो 6 आपका 34 हो जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा आप कक्षा में बताएंगे 34 छात्र हैं। यहां पे बात करते हैं अगला सभी पेन सड़क है, तो सभी पेन आपका सड़क है, सभी सड़क आपका क्या हो जाएगा पेन है, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा भैया सड़क सड़क आपका कॉमन हो गया, पेन और घर से आप बना सकते हैं सभी घर, लेकिन यहां पे सभी घर आ गया जिसकी वजह से यहां पे पेन आपका कितना बचा 50, 50 आपका घर आपका 50 था आपने 100 की बात कर दिया तो ये गलत हो गया, कुछ घर पेन है कुछ घर आपका पेन है ये बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, तो केवल दूसरा आपका अनुसरण करता है पहला नहीं करेगा। आगे बात करते हैं देखिए सभी पेन चाक है, तो सभी ये
हुआ आपका ये 50, सभी कुर्सी यहाँ पे 100, यहाँ पे 50, तो ये चाक आपका आपका 100 है नहीं, तो 100 है नहीं, दोनों मिल नहीं पाएंगे पेन और कुर्सी, तो पेन और कुर्सी आप कभी मिला नहीं पाएंगे। कुछ चाक पेन है, कुछ चाक पेन है, बिल्कुल आपका सभी के साथ कुछ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आपका दिया गया, किसी फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए औरत कहती है, औरत कह रही भैया, तो औरत के बारे में आप बनाइए पहले। औरत कहती है उसकी वह उसकी इकलौती पुत्रवधू के ससुर का पिता है, वह उसकी इकलौती, तो भैया इसकी इकलौती पुत्रवधू, इसकी इकलौती पुत्रवधू मतलब इसका एक बेटा होगा, और इसकी पुत्रवधू, तो पुत्रवधू यहाँ पे आ जाएगी, इसकी पुत्रवधू होगी, पुत्रवधू के ससुर, तो के ससुर मतलब इसके ससुर कौन से हो जाएंगे, जो इनके पति होंगे, तो यहाँ पे ससुर का पिता है, तो ससुर का पिता मतलब ये हो जाएंगे। अब इनके बारे में बात कर रहे हैं, यही आदमी के बारे में ये औरत बात कर रही है। अब आगे क्या पूछा गया, तो उस आदमी का, आदमी कौन है औरत का, तो भैया औरत का ये आदमी को इसके पति, पति के जो आपके पिताजी होते हैं क्या कहलाते हैं, ससुर कहलाते हैं, तो फादर इन लॉ इनका भी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला आपका दिया गया है, देखिए एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, पुत्र से 4 गुना बड़ा है, यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष है तो उनकी पत्नी की वर्तमान आयु, हमने मान लिया पत्नी आपका x वर्ष का है, तो पति यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो उसका जो हस्बैंड है उससे 3 साल बड़ा था, और इनका अगर हम देखते हैं 4 गुना है, मतलब पुत्र का 4 गुना, तो 4 से भाग देंगे पुत्र की एज आ जाएगी वर्तमान, तो 3 वर्ष बाद ये ऐसा हो रहा है 15 साल का, तो 3 वर्ष पहले वर्तमान रहा होगा बच्चे का, तो यहाँ पे 3 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा, 12 साल का, तो 12 यानी 36, अच्छा 12 चौक 48 में से 3 चला जाएगा, तो 12 चौक 48 में से 3 जाएगा आपका तो 45, तो माँ जो है, माँ के बारे में, वाइफ के बारे में उनके पूछा गया है कितने साल की है, तो उनके पत्नी जो है कितने साल की है, 45 ईयर की। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए दिया गया आपका कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखो पहले से दूसरा फिगर, दूसरे से तीसरा फिगर कैसे बनेगा, यही आपसे पूछना चाह रहे हैं, तो यहाँ से जब आप चेक करेंगे ये फिगर आपका पलटा है, एक ये ऐड हुआ, एक लाइन ऐड हुआ, तो यहाँ पे जब आपका ये भी पलटेगा तो भैया ये 3 फिगर बनेंगे, है ना, 3 फिगर आपका बनेंगे, तो ये तो आपका हो नहीं सकता, एक ही है आपके पास ऑप्शन, और इधर से कितनी लाइनें हैं आपका, 2 लाइन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो बच्चों ये रहे आपके सवाल जो कि बिल्कुल आपको समझ आए होंगे, इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तब तक के लिए बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं, अब तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, जय हिंद जय भारत।